बरसाना में राधा अष्टमी के पर्व को लेकर प्रशासन ने दिया तैयारियों को अंतिम रूप। बरसाना में होने वाले राधा अष्टमी के पर्व को लेकर प्रशासन ने अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देते हुए सभी विभागों को अपनी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर जिलाधिकारी सर्वज्ञ राम मिश्र और SSP मथुरा शलभ माथुर ने अपने अपने अधीनस्थों को संबंधित विभागों को मेले की व्यवस्थाएं चाक चौबंद करने के निर्देश दिए तथा जो व्यवस्थाएं SDM गोवर्धन, ADM प्रशासन तथा SPRA मथुरा ने पहले से स्थानीय निकाय प्रशासन की मदद से की हुई थी उनका भी जायजा लिया तथा जो भी खामियां पाई गईं उनसे संबंधित विभाग के अधिकारियों को लताड़ते हुए तुरंत व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही सभी विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों को सख्त निर्देश दिए कि मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के साथ कर्तव्य परायणता के साथ मृदु व्यवहार करें, किसी के भी साथ अशालीनता से पेश न आए, श्रद्धालुओं को ब्रज क्षेत्र का अच्छा संदेश जाए ऐसा व्यवहार श्रद्धालुओं के साथ करें। हैं कि राधा अष्टमी के दिन यहाँ पे भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, व्यवस्थाओं से संबंधित चीजों के बारे में दो बार बैठ के अभी यहाँ पे हुई है, एक तो दो दिन पहले हुई थी और आज हम लोगों ने उन व्यवस्थाओं के सभी पे समीक्षा की है। पूरे मेला जोन को सेक्टर और जोन में बांटा गया है, प्रत्येक जोन में पुलिस अधिकारी और SDM लगाए गए हैं, सेक्टर ऑफिसर्स की भी तैनाती की गई है, सफाई कर्मचारी नगर पंचायत द्वारा लगाए गए हैं, विद्युत के जो पोल खाली थे मेला क्षेत्र में नीचे के भाग में उसमें विद्युत प्रवाह न हो और कोई दुर्घटना न हो उसको लिए विद्युत विभाग उसको कवर कर रहा है। परिसर के अंदर, मंदिर परिसर के अंदर वहाँ के जो रिसीवर हैं उनसे बात करके व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराई जा रही हैं। समय 24 घंटा शेष रह गए हैं, अभी तक कुछ व्यवस्थाएं अभी तक नहीं हो पाई, जैसे कि विद्युत पोलों पर पंखी नहीं लगे। नहीं, आपने जो बताया उसमें 10-20 खंभे ऐसे हैं, उसको आज ये लोग लगा देंगे। मेला शुरू हो रहा है, कल से होगा, उसको ये लोग लगा देंगे। अभी आपके सामने निर्देशित कर दिया गया है। सर, राधा की संख्या में स्थापित कितने क्षेत्रों में मिला खेत को बांटा गया है, कितने फसलों में तैनात किया गया है? तीन जोन के अंदर और 6 सेक्टर्स के अंदर इसमें ड्यूटी लगाई गई है, एडिशनल स्तरीय और सीनियर स्तर के अधिकारी लगाए गए हैं, लगभग 1000 से ज़्यादा कॉन्स्टेबल्स की यहाँ पर तैनाती की गई है, ट्रैफिक बैरियर्स लगाए गए हैं और इसके अलावा हम लोग पूरा वायरलेस सिस्टम यहाँ पर स्टेबल है। और डिटेल के अंदर अभी कल जो है शाम से हम लोग का जो है श्रद्धालुओं के आने की संख्या जो कि परसों शाम तक है और सभी पुलिस अधिकारी जो है इसमें काफ़ी पुलिस अधिकारियों ने विगत वर्ष में यहाँ पर ड्यूटी की थी, उनको भी इसका काफ़ी एक्सपीरियंस है। और जैसा मैंने बताया डिटेल ड्यूटी किया गया, वरिष्ठ अधिकारियों की जाएगी, लोग जिम्मेदार नहीं, लेकिन हम ग्राउंड लेवल जो भी हुई है